So, we are here with a previously discussed topic of activation of mammalian egg, और ये टॉपिक हम पहले जो है ये कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से ये जो है रिस्पॉन्स आया है कि ये पैराग्राफ जो है इस चैप्टर का, ये थोड़ा जो है जब मैंने इसको रीड किया तो वाकई थोड़ा सा जो है आई गेस कि आपको तंग करेगा, आपको समझ नहीं आएगी इसकी। सो आज ज़रा हम इस टॉपिक को बहुत शॉर्टली इसको मज़ीद ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, और इसको शॉर्टली समराइज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हाइलाइटेड पोर्शन है, सबसे पहले फर्स्ट इसको डिलीट करते हैं और दोबारा से इसको ज़रा क्या करते हैं, समराइज करते हैं। एग एक्टिवेशन, मेमेलियन एग एक्टिवेशन का टॉपिक हमने पढ़ा था, और उससे पहले जो प्रोसेसेस थे, जो इवेंट्स थे, फास्ट ब्लॉक, स्लो ब्लॉक, उनकी तरफ नहीं जाते। तो जब स्पर्म की एंट्री होती है, सो देन इट एक्टिवेट्स द एग मेटाबॉलिज्म। तो मैमल्स में ज़रा हम उसको पढ़ते हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट हम थोड़ा सा जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो रीड करके फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो एज इन एवरी अदर एनिमल स्टडीड, ट्रांजिएंट राइज इन साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर एग एक्टिवेशन इन मैमल्स। ये बात हमने डिस्कस की थी कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ कैल्शियम इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स, ठीक है। तो कैल्शियम सर्ज उसको आप कह सकते हैं, कैल्शियम रिलीज होता है एग के अंदर, ठीक है, और विच ट्रिगर्स द एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म। ये जितने भी एनिमल स्टडी किए गए सब में ये चीज़ कॉमन है कि कैल्शियम रिलीज होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, और ये कब होगा, जब स्पर्म की एंट्री होगी। अब ये सी अर्चन हमने डिस्कस किया था और अभी हम मैमल्स का डिस्कस करेंगे, तो एक तो बात ये कंफर्म हो गई कि एक चीज़ कॉमन है कि कैल्शियम रिलीज होगा। सो द स्पर्म इंड्यूस अ सीरीज ऑफ कैल्शियम वेव्स दैट कैन लास्ट फॉर आवर्स, टर्मिनेटिंग इन एग एक्टिवेशन। और ये जो है कई घंटों तक ये प्रोसेस चल सकता है, और एग एक्टिवेशन एंड में इसका रिजल्ट होता है। टर्मिनेट्स मीन कि ये इट रिजल्ट्स इन एग एक्टिवेशन। इसमें अब एग एक्टिवेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अच्छा, इसमें है द रिजम्पशन ऑफ मियोसिस। हमने पढ़ा था कि एग जो है वो से मियोसिस टू के अंदर स्टॉप हो जाती है, जब उसकी एग की जब ऊसाइट्स, हमने पढ़ा था कि प्राइमरी ऊसाइट के स्टेज पे वो उसकी डिवीजन जो है वो अरेस्ट हो जाती है, और हमारे पास वो मियोसिस टू में जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो वो मियोसिस टू बेसिकली वो रिज्यूम हो जाता है। ये फर्स्ट हमारा क्या है, स्टेप है एग एक्टिवेशन के अंदर। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एग्जोसाइटोसिस, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन हमने पढ़ा था, और इट रिजल्ट्स इन एग्जोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के अंदर जो हमारे पास प्रोटोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, और उसका जो है रिजल्ट क्या होता है कि वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है उसको डिस्कनेक्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और देट रिमूव्स, और जिसको हम स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी कहते हैं, जो एक्स्ट्रा स्पर्म्स होते हैं वो फिर उस तरीके से उस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के साथ रिमूव हो जाते हैं। एंड द रिलीज ऑफ द इनहिबिशन ऑन मेटर्नल मैसेंजर आरएनएज। और जो मेटर्नल जो एग साइटोप्लाज्म के अंदर मैसेंजर आरएनएज होती हैं, क्या हो जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि वो इनहिबिट हुए होते हैं। हमने पढ़ा था बहुत स्टार्ट में, जब हम एग का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो वी डिस्कस्ड कि बिफोर फर्टिलाइजेशन एग के अंदर कुछ मशीनरी जो है वो पहले से बनी होती है, वो तैयार होती है, जैसा कि उसमें हमने मैसेंजर आरएनएज पढ़ा था कि मैसेंजर आरएनएज आर रेडी बट दे आर इनएक्टिव, ठीक है, वो बने होते हैं मैसेंजर आरएनएज, दे आर रेडी टू फॉर्म प्रोटीन्स, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन तक जो है वो इनहिबिट होते हैं। तो उस इनहिबिशन, वो इनहिबिशन जो है वो ख़त्म होती है जब ये
कैल्शियम जो है वो क्या करता है, एग एक्टिवेशन का। तो ये तीन बेसिक स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पे होती है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। तो फिर जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियाई जो बनता है उन दोनों के फ्यूजन से, उसको हम प्रोन्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। और एंड अगेन इन सी अर्चिन फर्टिलाइजेशन ट्रिगर्स इंट्रा सेलुलर कैल्शियम रिलीज थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ IP3 बाय द एंजाइम फॉस्फोलाइपेज सी, जिसको हम PLC कहते हैं, ठीक है। सो अब ये जो प्रोसेस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही बात एग एक्टिवेशन जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिवेट होता है थ्रू कैल्शियम, तो वो कैसे होता है, जिसको हम कहते हैं IP3, और जो एंजाइम है दैट इज फॉस्फोलाइपेज सी, PLC उसको कहते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है सी अर्चिन और मैमल्स के अंदर, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इस बेसिक प्रोसीजर को समझते हैं कि एग एक्टिवेशन होती कैसे है, ठीक है, फिर वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ एक डायग्राम के थ्रू हम इसको देखेंगे। और आप देखें बेसिक यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है वो ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैमल्स के अंदर जब स्पर्म की एंट्री होती है तो स्पर्म के अंदर ही हमारे पास PLC एंजाइम मौजूद होता है, फॉस्फोलाइपेज सी, और जो आप इसके साथ साइन देख रहे हैं दैट इज जीटा साइन। अब ये क्या है, PLC जीटा इज अ स्पेसिफिक फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम जो कि मैमल्स के अंदर स्पेसिफिक होता है। बाकी इन्वर्टिब्रेट्स में और सी अर्चिन के अंदर हमारा हमने पढ़ा था उसमें भी PLC होता है, लेकिन वो क्या, वो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है वो भी पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे फोकस करें तो दैट इज़ PLC जीटा जो कि सिर्फ मेमल्स के अंदर होता है और ये स्पर्म के साथ इंटर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। फर्स्ट जब ये इंटर हो जाता है तो सबसे पहले ये क्या कर, थ्रू सर्टन जक्स्टा क्राइन इंटरेक्शंस, हमने पैराक्राइन, इंडोक्राइन और जक्स्ट्राक्राइन थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो जक्स्ट्राक्राइन मीन्स वो इंटरेक्शन जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी आपस में फिजिकल इंटरेक्शन होती है, ना कि कोई केमिकल रिएक्शन इंटरेक्शन। तो ये जो है कुछ वो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, उसके डिटेल में नहीं जाते, वो आप छोड़ें। इसके अंदर वो छोटे छोटे जो है फोकस हमारा है कि PLC जब इंटर होता है तो वो बेसिकली क्या करता है, उसने अभी करना है PLC जीटा ने कैल्शियम आयंस की रिलीज को एक्टिवेट करना है, ठीक है। फिर कैल्शियम जो है, कैल्शियम जब रिलीज होगा सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, एग साइटोप्लाज्म के अंदर, वो अपना काम करेगा जो एग एक्टिवेशन का काम है वो है। फिर तीन स्टेप्स हैं वो हम पढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो कैल्शियम रिलीज कैसे होगा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होगा। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं IP3 रिसेप्टर्स, आयोनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट रिसेप्टर्स जो ऑरेंज में यहाँ पे शो हुए हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि अब ये रिसेप्टर्स हैं तो ये किसको रिसीव करेंगे, दैट इज आयोनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जो रेड कलर में ये मॉलिक्यूल शो है। तो ये मॉलिक्यूल बेसिकली एक्टिवेट होता है किसकी वजह से, एक मैकेनिज्म होता है जो कि PLC उसको एक्टिवेट करता है। सो इन शॉर्ट PLC जीटा एक्टिवेट्स आयनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट दैट इज रिसीव्ड बाय आयनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट रिसेप्टर ऑन द सर्फेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दैट इज द पॉइंट जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, बिकॉज इट इज़ अ स्टोरेज ऑर्गेनेल, यू नो आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी है, तो कैल्शियम स्टोर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, तो उसकी क्या हो जाती है, सिक्रीशन हो जाती है, कैल्शियम रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब कैल्शियम रिलीज हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर, तो अब जो है यहाँ से होगी एग एक्टिवेशन। तो नंबर वन, रोल्स ऑफ कैल्शियम आइंस। अब कैल्शियम आयन जो है वो क्या रोल प्ले करता है यहाँ पे, ठीक है, जब एक्टिवेट हो जाता है। नंबर वन, कैल्शियम आयन ड्रिवन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एक्सोसाइटोसिस। हमने पढ़ा कि कैल्शियम पहले जाके क्या करेगा, जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, अगेन अगर आप भूल गए हैं तो एग साइटोप्लाज्म के बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे हमारे पास कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, कुछ वेजिकल्स होते हैं जिसके अंदर प्रोटोलिटिक हाइड्रो एंजाइम्स होते हैं, जो जब उसकी एक्सोसाइटोसिस होती है तो आगे जाके वो वाइटलाइन
कोस्ट्स जो होती हैं मेम्ब्रेन्स की और जोना पेल्यूसिडा के साथ जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है उसको डिटैच करके उसको रिलीज़ करता है, तो जो एक्स्ट्रा स्पर्म्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं। तो नंबर वन दैट इज़ ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी होती है एंड जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूलर रिएक्शन है वो हो जाता है। कैल्शियम पहले ये काम करता है। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेप हमारे पास एग एक्टिवेशन में है, रिजम्पशन ऑफ सेल साइकिल। हमने पढ़ा कि जो एग की जो सेल डिवीजन है जो उसके अंदर है वो मेयोसिस टू के स्टेज पे अरेस्ट हुआ होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और वो क्यों अरेस्ट होता है, वहाँ पे दो हमारे पास प्रोटीन होते हैं सिक्योरिन एंड साइक्लिन। ये क्या करते हैं, ये मेटाफेज स्टेज पे उसने सेल डिवीजन को रोका हुआ होता है, तो कैल्शियम जाके उसको डिग्रेड करता है, ठीक है, उसकी डिग्रेडेशन होती है। और वो डिग्रेडेशन कौन करता है, वो करता है इधर मैप काइनेज, ठीक है। मैप काइनेज क्या करता है, विच अलाउज द रिजम्पशन ऑफ मियोसिस। तो मैप काइनेज क्या है, ये है माइटोटिक, ये है माइटोटिक एक्टिवेशन प्रोटीन काइनेज, ठीक है। तो माइटोटिक एक्टिवेशन प्रोटीन काइनेज जो है वो एक्टिवेट करता है किसको, मियोसिस को, और मतलब के सेल डिवीजन को एक्टिवेट करता है। तो ये है। और सेकंड जो है हमारे पास क्या हुआ कि कैल्शियम ने सेल डिवीजन को रिज्यूम कर दिया उसको, अब यहाँ से फिर वो सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। ओके, थर्ड इज़ मैसेंजर आरएनएज जो इनहिबिट हुई होती है सेल एग सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उसकी क्या हो जाती है, दे आर रीएक्टिवेटेड, ठीक है। जो उसके इनहिबिटेड जो उनकी इनहिबिशन होती है वो इनहिबिटर्स जो है वो कैल्शियम जाके उनको डिसइंटीग्रेट कर देता है, उन इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स को डिसइंटीग्रेट कर देता है, सो दैट मैसेंजर आरएनएज आर नाउ फ्री टू वर्क, फ्री टू परफॉर्म देयर फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये तीन बेसिकली क्या है, एग एक्टिवेशन के प्रोसेसेस हैं। और फिर क्या हो जाता है कि जो PLC है, फॉस्फोलाइपेसी जीटा, वो फिर जो प्रो न्यूक्लियस बनता है, प्रो न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस है जो कि फर्स्ट हमारे पास बन जाता है दोनों के फ्यूजन से, ठीक है। तो वो फिर उसके अंदर जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है, रीलोकलाइज इन द प्रो न्यूक्लियस। तो ये फिर आगे जाके जब इसके अंदर ये जब सेल्स डिवाइड होते जाते हैं, ये भी डिवाइड होता जाता है, फिर नेक्स्ट जब ये नेक्स्ट जनरेशन में इससे स्पर्म्स बनेंगे, ठीक है, तो ये PLC जाके फिर नेक्स्ट जनरेशन में अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। सो देट वॉज शॉर्ट अबाउट वेरी बेसिक समरी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म या एक्टिवेशन ऑफ मेमेलियन एग। तो जो आपका टेक्स्ट की तरफ आते हैं तो इसमें अच्छा एक चीज़ अगेन इम्पोर्टेंट, वो है कि डिफरेंस क्या है सी अर्चिन और मैमल्स के अंदर या इन्वर्टिब्रेट्स और मैमल्स के अंदर, वो ये है कि जो PLC होता है वो ये जो सी अर्चिन है और इन्वर्टिब्रेट्स है उसमें उनमें ये PLC स्पर्म के अंदर नहीं होता, ठीक है। ये बेसिकली स्पर्म बाहर से जब अटैच होता है तो ये PLC अंदर से जो है साइटोप्लाज्म के अंदर एक्टिवेट होता है। और कैसे होता है, कुछ इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म से बाहर जाके फिर स्पर्म्स के साथ इंटरेक्ट करके और फिर अंदर ही अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर वो मौजूद होती है। एग साइटोप्लाज्म ही जो है फॉस्फोलाइपेज सी जो एंजाइम है उसको एग साइटोप्लाज्म सिक्रीट करता है, ठीक है, बाहर से स्पर्म लेकर नहीं आता उसको, स्पर्म उसको सिर्फ एक्टिवेट करता है जब स्पर्म की बाहर बाइंडिंग होती है, उस टाइम बाइंडिंग के दौरान ये अंदर ही अंदर रिलीज हो जाता है, फिर वो कैल्शियम, इसी तरह आयनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट मैकेनिज्म उसमें भी सेम है। बेसिक डिफरेंस है, हमने कहा कि उनमें ये PLC सी अर्चिन के अंदर स्पर्म के पास नहीं होता, वो साइटोप्लाज्म ही, और जो मैमल्स और ह्यूमंस है उसके अंदर ये स्पर्म
इट इज़ बिलीव लाइक एक्सपेरिमेंट्स और वो ये है कि ये अंदर से जो सॉरी जो है ये स्पर्म अपने साथ अंदर लेकर आता है। और ये क्यों हम कहते हैं, किस बेस पे कहते हैं, सो वो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, यहाँ भी इसको कंक्लूड करते हैं उससे। दैट इज़ एक मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस। अच्छा, अब इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या है, ये एक मैकेनिज्म है। और ये मैकेनिज्म क्या है, जब ह्यूमन के अंदर हमारे पास ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, तो उसमें एक मैकेनिज्म होता है जिसमें स्पर्म को डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट किया जाता है विदाउट दिस मेम्ब्रेन रिकॉग्निशन प्रोसीजर, जो कि हमने पढ़ा कि स्पर्म पहले इंटर होते हैं, फिर फास्ट ब्लॉक, फिर स्लो ब्लॉक, फिर ये जो सारा मैकेनिज्म है। ये देखा गया कि जब इसको एक्सपेरिमेंट किया गया कि स्पर्म को डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट किया जाता है, तो दे इट शोड सक्सेसफुल रिजल्ट्स और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म कैसे होता है, इसको ज़रा हम एक शॉर्ट वीडियो में देखते हैं। ये एक रियल टाइम माइक्रोस्कोपिक विजुअल है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कुछ माइक्रोस्कोपिक इक्विपमेंट्स के साथ ये एग को लोकलाइज किया गया है, इसको पोजीशन में रखा गया है, ये आपको नज़र आ रहा है, और ये एग है। ठीक है, अब इसके अंदर कैसे एक माइक्रो इंजेक्टर के थ्रू साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली जो है स्पर्म्स को इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ द प्रोसेस, आप देख सकते हैं। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो ये ट्यूब जो है इट कैरीज स्पर्म, और इसको ये आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, एक साइटोप्लाज्म के अंदर इसको इंजेक्ट रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, और इट शोज सक्सेसफुल रिजल्ट्स। तो इससे हमें क्या जो है साबित होता है, अगर आप इसको मज़ीद, वैसे तो ये 6 मिनट्स की वीडियो है, हम इसको फुल डिटेल में, मतलब ये एक आपने देख लिया कि इसको अब स्पर्म इज़ इन द साइटोप्लाज्म और इसकी सक्सेसफुल जो है हमारे पास हो जाती है। ये बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करके दिखाया गया है। अच्छा, देखें आप, ये अब जो पेट्री डिश है उसके अंदर हमारे पास ये स्पर्म्स को आप देख सकते हैं, इसको वन बाय वन, या जो है इनमें से इसको कैसे जो है इस माइक्रो इंजेक्टर में कैप्चर किया जाता है, तो ये दिखाया गया, आप देख सकते हैं इधर ये। ठीक है, देन इट इज़ इंजेक्टेड दैट वे। ओके, सो इससे हमें क्या जो है साबित हुआ, वो ये है कि जो एग एक्टिवेशन है उसके लिए जो फास्फोलाइपेज सी इंजाइम है वो स्पर्म कैरी करता है। क्यों, अगर ये स्पर्म कैरी ना करता तो यहाँ पे हमारे पास जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है इसमें तो मेम्ब्रेन रिकॉग्निशन नहीं हुई, तो जब मेम्ब्रेन रिकॉग्निशन, मेम्ब्रेन डिटेक्शन नहीं हुई, तो फिर ये पीएलसी कैसे जो है वो अगर स्पर्म के साथ अंदर मौजूद ना होता, तो फिर वो जब उसकी इंटरेक्शन, मेम्ब्रेन इंटरेक्शन ही ना होती सी अर्चन की तरह, तो फिर वो कैसे जो है साइटोप्लाज्म उसको सिक्रीट करता, और जब वो सिक्रीट ना होता तो फिर कैल्शियम कैसे रिलीज होता, और फिर एग कैसे एक्टिवेट होता, और एग एक्टिवेट ना होता तो फिर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल कैसे होती और एम्ब्रियो कैसे बनता। सो दैट्स अबाउट एक्टिवेशन ऑफ मेमेलियन एग। और ये जो टेक्स्ट है ये आप ये इम्पोर्टेंट है, इसमें हम ज़रा एक्स्ट्रा टेक्स्ट को भी रिमूव कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो ये पैराग्राफ इज़ अबाउट ये कि हम क्यों ऐसा कहते हैं कि ये जो पीएलसी जीटा है दैट इज़ कैरीड बाय द स्पर्म्स ऑफ मैमल्स। अच्छा, ये पैराग्राफ ज़रा एक्स्ट्रा है, इसमें माइस का जिक्र है, तो इसको स्किप कर देते हैं। और ये जो है फिर आप इसके बाद ये वाला पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, और इसमें भी यहाँ तक। ठीक है, इसमें बेसिकली तीन हमारे पास मज़ीद ये वो जो प्रोसेस हमने इधर पढ़ा एग एक्टिवेशन के तीन मैकेनिज्म्स, वो इधर क्लियरली मेंशन है कि इन मैमल्स द कैल्शियम आयन्स रिलीज्ड बाय IP3 बाइंड
टू अ सीरीज ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूडिंग कार्मोडुलिन एक्टिवेटेड प्रोटीन. ठीक है, हमने जैसे पढ़ा कि इस तरह के बहुत सारे प्रोटीन्स उसमें इन्वॉल्व हैं. तो वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है? एलिमिनेटिंग द इनहिबिटर्स ऑफ एमआरएनए ट्रांसलेशन. फिर है मैप काइनेज, जो कि हमने कहा कि माइटोसिस को रिज्यूम करता है, माइटोटिक एक्टिवेशन प्रोटीन काइनेज. एंड साइनेप्टोटैगमिन. ठीक है, सॉरी, साइनेप्टोटैगमिन एक होता है प्रोटीन. वो क्या करता है कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की फ्यूजन जो है, दैट इज थर्ड, एनी हाउ ये आप देख लें, विच हेल्प्स इनिशिएट कॉर्टिकल ग्रेन्यूल फ्यूजन. तो ये तीन जो बेसिक स्टेप्स हैं, क्या, मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन, इसकी एक्टिवेशन, रिजम्पशन ऑफ मियोसिस एंड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन जो यहाँ पे शो है. सो ये यहाँ पे भी वही मेंशन है. आई होप दिस इज़ क्लियर. और फिर एंड में तो इसके नीचे जो है वो बात की गई है कि कैल्शियम, सी अर्चिन के अंदर कैल्शियम जो रिलीज है वो एक सिंगल फ्लो के थ्रू होता है, और मैमल्स में ये फ्लक्चुएशंस होती है, ऑसिलेशन के फॉर्म में होता है. देयर्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, इसको स्किप करते हैं. और आखिर में एंड में ये ज़रा इसकी जो कोडा के इस चैप्टर में हमारे पास इस बुक में एंड में जो कोडा के साथ जो टॉपिक ये जो पैराग्राफ होता है वो बेसिकली उस सारे प्रोसेस को समराइज करता है. तो ये आप ख़ुद पढ़ लें. लाइक फर्टिलाइजेशन इज़ नॉट अ मोमेंट और एन इवेंट बट अ प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स इंक्लूडिंग द कॉन्टैक्ट एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई एंड एक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट. इट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाई टू सेल्स ईच एट वर्ज ऑफ डेथ यूनाइट टू क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनिज्म दैट विल. सो ये ज़रा इसकी समरी बयान की गई है, ये आप खुद पढ़ लें. सो दैट वॉज अबाउट एक्टिवेशन ऑफ एग. और ये अगर ये टेक्स्ट की वजह से आपको कन्फ्यूजिंग लगा था तो वो मैंने एक्स्ट्रा इसमें से रिमूव कर दिया, और जो था वो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया. सो दैट्स इनफ फॉर दिस टॉपिक.